मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। हाँ, ये पूनम ने हम सबको अचानक यहाँ क्यों बुलाया? मुझे खुद भी नहीं पता। आइए बैठ। हाँ। ये सब क्या है पूनम? माँ जी, हम सब चाहते हैं कि निहार और रुचिता के बच्चों की किलकारी गूंजे। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है और कौवा भी बगैर किसी भेदभाव के कोयल के बच्चों को अपना समझकर पालता पोसता है, बड़ा करता है। एक तरह से देखा जाए तो कोख कोयल की होती है और परवरिश कौवे की। और ज्ञानियों ने कहा है कि कार्तिकेय को जन्म तो गंगा मैया ने दिया और जन्म देने के बाद उन्हें पार्वती माँ को सौंप दिया। पूनम, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहिए ना। सरोगेसी, बच्चा पैदा करने के लिए जब कोई जोड़ा किसी दूसरी औरत की कोख का सहारा लेता है तो उसे सरोगेसी कहते हैं। रुचिता माँ नहीं बन सकती, लेकिन निहार को तो संतान हो सकती है, तो क्यों ना हम सरोगेसी के जरिए अपने घर में लड्डू गोपाल या राधा रानी को लेकर आए। कैसा लगा आप सबको मेरा सुझाव? आपका सुझाव तो अच्छा है और इस सुझाव में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन फैसला लेने का अधिकार सिर्फ रुचिता और निहार का है। इसके बारे में मैंने भी सुना तो है पूनम, लेकिन भला ऐसी कौन सी औरत होगी जो 9 महीने बच्चा कोख में रखे और उसके बाद किसी दूसरे को दे दे? इसके लिए तो बहुत बड़ा दिल चाहिए। माँ जी, मैंने ये सुझाव इसीलिए दिया क्योंकि मैंने वो औरत भी ढूंढ ली है जो निहार और रुचिता के बच्चे को इस दुनिया में लेकर आएगी। वो दरिया दिल, स्वार्थ रहित, जो इतना बड़ा त्याग करने के लिए तैयार है, वो यही हम सब के बीच इसी घर में मौजूद है। कौन है वो माँ? आ जाओ। आंचल, कितना कुछ छीना है हमने आंचल से, लेकिन फिर भी निहार और रुचिता की खुशी के लिए ये इतना बड़ा त्याग करने के लिए तैयार है, इनके बच्चों की सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार है। आंचल, वाकई बेटा तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। सच में आंचल, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि ये डिसीजन लेना आसान नहीं होगा एक औरत के लिए। हाँ आंचल, हमेशा के लिए हम तुम्हारे आभारी रहेंगे। मैं रुचिता दीदी और हुकुम साहब की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रुचिता बेटा, निहार, तुम लोगों को एतराज ना हो तो क्या हम इस फैसले पर आगे बढ़ सकते हैं? पापा, जो डिसीजन रुचिता का होगा वही डिसीजन मेरा भी होगा। मम्मी! गोलू, वो मासी ने मुझे कहा था कि अगर मैं इसे छुपाऊंगा तो मुझे गिफ्ट देगी।
बेटा वही कार जिसे एक छोटा सा लड़का और आंचल खेल रहे थे, बच्चा उसके आगे और आंचल उसके पीछे। मुझे माँ के सरोगेसी के आइडिया से कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे आंचल के सरोगेट मदर बनने से एतराज है। हम इस सरोगेसी के लिए किसी और को चुनेंगे निहार जी। क्यों? क्या समस्या है इसमें? क्यों ढूंढेंगे हम किसी और को बाहर से? जब एक लड़की घर के अंदर मौजूद है, वो सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार है, फिर हमें बाहर जाकर लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है? रुचिता, कोई खास वजह है क्या? गोलू प्लीज, देखो मैं बाहर खड़ी हूँ ना। जैसा कि माँ ने पहले कहा था, आंचल से हम लोगों ने पहले ही बहुत कुछ लिया है। उसके हुकुम सा उसकी माँ, उसका परिवार, अब मैं उससे और कुछ छीनना नहीं चाहती। पहले ही उसका हम पर इतना एहसान है, अब मैं उसके एहसान तले दबना नहीं चाहती। और कल को किसी और लड़के को पता चलेगा कि आंचल किसी और के बच्चे की माँ बन चुकी है, तो कौन शादी करेगा इसको? मैं उसका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती, और वैसे भी आंचल हमारी जिम्मेदारी, हम हमारे बच्चे के लिए किसी और को माँ चुन लेंगे। आंचल हमारी जिम्मेदारी है, रुचिता सही करेगी, आंचल ये नहीं करेगी। पर मुझे कोई एतराज नहीं है। नहीं आंचल, हमारे रिश्ते पहले से ही बहुत उलझ चुके हैं, इसीलिए बेहतर यही होगा कि सरोगेसी के लिए हम किसी और को चुने। अब वो डिसीजन भी मैं रुचिता पर ही छोड़ता हूँ। मुझे आंचल का पूरा सच पता करना ही होगा, लेकिन कैसे? ठीक है बेटा, चलिए चलो। ये रुचिता खुद को समझती क्या है?